क्या जेब में रखे नोट हो जाएंगे फिर से बैन? क्या फिर से होगी नोटबंदी? या फिर हर एक भारतवासी के खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए? या क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी बैन क्योंकि आ गया है डिजिटल रुपया? तो क्या अब पर्स की जगह मोबाइल में रखा जाएगा रुपया और ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग पे लगेगी रोक? पेमेंट सिस्टम को और भी ज्यादा कैपेबल बनाने के लिए और इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए भारत की पहली डिजिटल रुपया पायलट परियोजना आज मंगलवार को शुरू हो गई है, जिसमें SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक सहित 9 बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए वर्चुअल करेंसी जारी करेंगे। तो आखिर ये डिजिटल रुपया क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC या डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा। तो अब डिजिटल रुपए और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक्सचेंज का माध्यम है। यह मुख्य रूप से अपनी डिसेंट्रलाइज्ड प्रकृति के कारण कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, जिसका अर्थ है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों या केंद्रीय अधिकारियों जैसे किसी इंटरमीडियरी के बिना इसका संचालन होता रहा है। अब इसके अपोजिट भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC डिजिटल रूप से एक लीगल टेंडर होगी। डिजिटल रुपया बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी से इस मायने में अलग होगा कि इसे सरकार का समर्थन प्राप्त होगा। अब दूसरी बात यह है कि सरकारी समर्थन के कारण एक आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू होने पर डिजिटल रुपया फिजिकल रुपए के नोट के इक्विवेलेंट होगा। तो इस डिजिटल रुपए के फायदे क्या होंगे? अब डिजिटल रुपए के फायदे यह हैं कि लेन देन की लागत को कम करने के अलावा डिजिटल मुद्रा होने से सरकारों के लिए ऑथोराइज्ड नेटवर्क्स के अंदर होने वाले सभी लेन देन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सरकार की आंखों से बचना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार देश के अंदर हर लेन देन को रिलेवेंट लॉज के अंडर किया जाएगा। इसलिए सरकार का इस बात पर बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में आता है और जाता है और प्रवेश भी करता है, जो उन्हें भविष्य के लिए बेहतर बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए जगह बनाने और ओवरऑल एक ज्यादा सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाने की अनुमति देगा। डिजिटल करेंसी का एक अन्य लाभ यह है कि वे फटे, जले या फिजिकली डैमेज नहीं होंगे, ना ही उन्हें फिजिकली लूज किया जा सकता है। एक डिजिटल करेंसी की लाइफलाइन फिजिकल नोट्स की तुलना में अनिश्चित होगी। तो अगर आप और भी ऐसी न्यूज देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करके सपोर्ट करें।